हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा था तो उसी को आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने वर्ड इक्वेशन की बात की थी, यानी कि शब्द समीकरण। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में उसके जितने भी उसमें अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उनके नाम लिखकर व्यक्त किया जाता है, जो कि क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है अभिक्रिया का। ओके, उसी शब्द समीकरण को आगे किस प्रकार लिखा जाता है, उन जितने भी अभिकारक हैं, उत्पाद हैं वहां पर, या कोई उत्प्रेरक वहां पर यूज हो रहा है, तो उन सभी के लिए उनके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, जिसको कि रासायनिक समीकरण का और शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जिसको कहा जाएगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख रहे थे, जहां पर हमने बोला जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके जल बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और क्या दे रहे हैं आपको, जल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द समीकरण हो गया था। इसके अलावा जिंक पर आपने कहा तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करवाया जाएगा, तो आपको जिंक सल्फेट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस प्रकार से हमने शब्द समीकरण लिखा था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ओके, तो इस प्रकार से शब्द समीकरण बनाना हम सीख गए थे कि किस प्रकार से शब्द समीकरण लिखे जाएंगे। इसके अलावा इसका और संक्षिप्त रूप क्या होगा, और अगर इनको क्या किया जाएगा, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो पहला था आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आपने लिखना है, तो कैसे आएगा, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं आप, H। ठीक है, और इसका परमाणु कैसे पाया जाता है, परमाणुता क्या होती है, 2H2 आप इसको कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, O2, और क्या बना रहे हैं, जल यानी कि H2O बना रहे हैं। इस प्रकार से क्लियर, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन के लिए जिंक यानी ZN प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, H2SO4। और क्या दे रहे हैं आपको, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक पर SO4। ठीक है, और साथ में क्या निकल रही है आपकी, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर? तो ये हमारी कैसी समीकरणें हो गई, ये हमारी रासायनिक समीकरणें हो गई। शब्द समीकरण के अलावा इनको हम किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं, रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ज्यादा जो रिलायबल होता है या आप ज्यादा जिसको यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, जब भी रासायनिक समीकरण की बात आएगी तो हम यही समीकरण लिखते हैं किसी भी अभिक्रिया में। क्लियर है? प्रश्न आ सकता है कि जिंक की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो आपका क्या उत्पाद बनता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जिंक की जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी, पहले आप लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं, और केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है तो आप ये वाली रासायनिक समीकरण लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से अब क्या होता है, जो भी हमें रासायनिक समीकरण मिल रही है उनको संतुलित करना होता है। संतुलित कैसे करना होता है, हमने 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें हमने जब परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके अंदर उसका परमाणु का क्रमांक हो गया, परमाणु का द्रव्यमान हो गया, ये सारी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार देखना है कि आपका अभिकारकों का कुल द्रव्यमान आपके उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और उत्पाद क्या है बच्चे आपका, जल। एक अभिकारक ये है और उत्पाद क्या है आपका, जल।
ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले आप चीजें यूज करते हैं, जो भी आपका एलिमेंट यानी कि तत्व तो हो गया, इसके अलावा आपका कोई कंपाउंड हो गया यानी कि यौगिक, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके पश्चात आपके उत्पाद बनते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा बच्चे, 1 होता है, परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या आप जिसको कहते हैं, क्लियर। तो दो एटम है, दो परमाणु है, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 × 16। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि परमाणुकता मैंने आपको 9th में बताया था कि परमाणुकता क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो परमाणु चूंकि ऑक्सीजन के हैं तो आप 2 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो 16 × 2 कर दिया आपने, 32, ठीक है। H2O की बात करेंगे तो कैसा हम इसका परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं, 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे दो परमाणु है H2, ओके। और ऑक्सीजन का कितना है, एक ही है, तो उसको प्लस कर लेंगे 60, तो कितना हो गया, ठीक है। तो इसको अगर टोटल करेंगे, ये 2 था आपका और ये 32, कितना हो गया टोटल 34, और यहाँ आपका 18 है, तो ये इक्वल नहीं हो रहे। हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहा था कि दोनों जगह का कुल द्रव्यमान बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा, यानी आवश्यकता किसकी है, संतुलित करने की है, क्लियर। तो अभी हम सीखते हैं कि किस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को या जो अभिक्रिया के लिए आप समीकरण लिख रहे हैं उसको संतुलित किया जाता है, क्लियर। चलिए तो इसको ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, H2+O2 का रासायनिक समीकरण, संतुलित करना। तो किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, अभिक्रिया आपके पास है H2+O2, आप 2H2O लिख, आप H2O लिख रहे हैं, ठीक है। H2O को आप इस पूरी रिएक्शन को यानी कि जो आपकी अभिक्रिया है उसकी जो समीकरण है उसको संतुलित करना है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है। सबसे पहले आप रासायनिक समीकरण लिख लेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है आपकी, H2+O2 गिव्स H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, अगर कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप बॉक्सेस बना लेंगे सबके, ठीक है। ये दो आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो आपस में मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, क्लियर। तो आपने बॉक्सेस बना लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि जो जो चीजें आपकी यहाँ पर हैं, जिन जिन के भी जितने परमाणु हैं उनको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, तत्व लिख सकते हैं एक तरफ, दूसरी ओर आप क्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पूरा आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, यानी जो बाई ओर होगा, और ये आपका किस ओर है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड पे, क्लियर। चलिए तत्व लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, क्लियर, और दूसरा क्या लिखेंगे, RHS में यानी राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, क्लियर। तो तत्व क्या है आपका, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन ही देख रहे हैं, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप बात करते हैं उसके टोटल कितने परमाणु हैं, 2, ये 2 है ना यहां पर, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, क्लियर। यहां पर भी H2 लिखा है ना, तो 2 परमाणु है हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में 1 ही है, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर, क्लियर। तो अब आवश्यकता है इसको बैलेंस करने की, और बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपका तत्व है उसको आप देखेंगे, जो भी आपका कंपाउंड है उसको अच्छे से देखेंगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सबसे पहले
किस आधार पर, जिसमें सबसे अधिक परमाणु होंगे। तो सबसे अधिक परमाणु किसमें है, H2O में ही है, ठीक है, उसको लिया जाता है। सब सेकंड स्टेप में आप क्या देखते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाला, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक परमाणु है। तो आप कहेंगे मैम H2O में हमारे सबसे अधिक परमाणु है, इसमें तीन परमाणु आ रहे हैं, दो हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, इसके अलावा बाकी जो दो हैं उनमें दो दो परमाणु है। क्लियर, इतना समझ आ गया। अभी आप क्या करते हैं, उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर H2O में आप एक एक करके बैलेंस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या बोला, H2O में आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो तो पहले से ही बैलेंस है, लेकिन अब बारी आएगी ऑक्सीजन को बैलेंस करने की, क्योंकि आपको उसी में दिख रहा है ना अंतर। यहाँ पर हमने देखा एक जगह आपके ऑक्सीजन दो है, एक जगह एक है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देखते हैं कि पहले ऑक्सीजन के परमाणु आप बता देंगे, ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं ये बताएंगे, और दूसरा संतुलित करने के लिए आपको कितने चाहिए। ओके, तो और दूसरा आप क्या लिखते हैं, अभिकारकों में कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं और उत्पाद में आपको कितने दिख रहे हैं। क्लियर, अभिकारक में कितने हैं ऑक्सीजन और उत्पाद में कितने हैं, ऐसे टेबल बना के चलेंगे, ठीक है। तो आपने कहा प्रारंभ में, पहले अभिकारकों में हमने देखा था कितने हैं आपके, दो है, ठीक है, तो यहाँ आप दो लिख लेंगे। उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में एक ही है ऑक्सीजन। क्लियर, संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो ऑलरेडी दो है, उत्पाद में आपको बैलेंस करना है, तो उत्पाद में आप बैलेंस कैसे करेंगे, उस वन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दो हो गया। क्लियर, यानी कि आपने क्या किया, आपने H2+O2 क्या बना दिया, 2H2O बना दिया। क्लियर है, अभी क्या अभिक्रिया बैलेंस हो रही है, देखिए हाइड्रोजन आपके लेफ्ट में दो हैं, राइट में आपके हाइड्रोजन अब चार हो जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो यहाँ है, तो कितने हो गए, चार हो गए, 2H2 लिखा है ना, तो यानी कि फोर हो गए टोटल हाइड्रोजन। लेकिन अब आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, ये जो आप आगे लगा रहे हैं नंबर, ये इन दोनों के लिए ही है, समझ रहे हैं, यानी कि इससे आपके हाइड्रोजन में भी दो गुना वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन में भी, परमाणुओं में, समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो आपका दो हो गया, यहाँ पर आपने बैलेंस कर लिया कि अभिकारकों में भी दो हो गए, उत्पाद में भी आपके दो हो गए। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, अब आपने क्या करना है थर्ड स्टेप में, अब आप हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु। क्लियर, अभिकारक में और उत्पाद में। आपने कहा हाइड्रोजन में प्रारंभ में कितने, ये देखना है, अकॉर्डिंग टू द लास्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताइए, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे ये अभिकारक का हो गया और ये उत्पाद का हो गया। ध्यान से सुनिए, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो प्रारंभ में अभिकारक में आपके कितने हैं बच्चे, दो है, और उत्पाद में कितने हैं, फोर हो रहे हैं। क्लियर, अब आप क्या लिखेंगे, संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा, संतुलित यानी बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए तो दो ही है, अब इसे चार, ये आपका दो है ये चार है, तो इस दो को चार बनाने के लिए क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो आपका फोर हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी आपने क्या किया है, H2 के आगे भी आपने दो लगाया है, समझ रहे हैं, जो ये आपका H2 था प्लस O2 अकॉर्डिंग टू द लास्ट इक्वेशन, 2H2O आपका हो रहा था, तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहां पर आपने H2 में एक और 2 ऐड कर दिया है। क्लियर, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 2H2+O2 गिव्स
2H2। क्लियर है, बताइए इतना समझ आ गया सभी को। अब आप इक्वेशन देखिए और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लगाइए जल्दी से। जल्दी से करिए, मैंने आपको क्या कहा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाइए यहाँ पर कि क्या द्रव्यमान अभिकारकों का और उत्पादों का बराबर हो रहा है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन का देखेंगे, दो ये हो रहा है टोटल, यानी कि चार परमाणु हो रहे हैं। आप इसको 4 × 1 भी लिख सकते हैं, प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे, 2 × 16। क्लियर, सो 4 + 32 कितना हो गया, 36। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, कुल वर्ड जब भी आता है यानी कि आप किसी ना किसी को प्लस कर रहे हैं आपस में, तो जितने भी अभिकारक हैं उनका आप कुल द्रव्यमान निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो आपने कितना निकाल लिया, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी जितने परमाणु हैं उन सभी के द्रव्यमानों का योग हमने 36 U निकाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप उत्पादों का द्रव्यमान देखते हैं जो कि कितना है, यहाँ पर आप फिर से 2 × 1 किसके लिए आ रहा है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 लेते हैं, 1.008 आता है आपका, ठीक है, तो 1 लेते हैं आप अप्रोक्स। फिर यहाँ पर आपने 2 लिख दिया प्लस। अब मैंने क्या कहा था, ये जो 2 है ये सभी के लिए जो आगे लग रहा है, ये हाइड्रोजन के परमाणु के लिए भी है, ये आपका ऑक्सीजन के परमाणु के लिए भी है। तो अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2 हो गए, 2 × 16। क्लियर, तो ये आपका 4 × 1 हो गया प्लस 32, 4 + 32 कितना हो गया, 36। तो देखिए दोनों जगह 36 U हो गया, यानी कि जो अब ये आपकी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, समझ रहे हैं, यानी कि जो अब रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हैं उसको आपने संतुलित कर दिया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार या उसको आधार मानकर, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास कोई भी रासायनिक समीकरण आ सकती है जिसको आपने बैलेंस करना है, क्लियर है। चलिए एक और रासायनिक समीकरण लेके चलेंगे, जल्दी से इसको पहले नोट करेंगे यहां। जल्दी जल्दी नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले वर्ड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया, सिंबल हमने लास्ट सेशन में देखे थे, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात हुई थी यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल, एक और इक्वेशन लिखिए, Fe+H2O। दूसरी इक्वेशन है आपकी, Fe किसके लिए आता है बताओ, Fe किसका सिंबल है, कौन से एलिमेंट के लिए आता है, Fe आयन के लिए आता है, ठीक है। प्लस आपका क्या कहा मैंने, अभी जो आपने बनाया था जल H2O, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, और क्या बन रहा है आपका, Fe3O4 बन रहा है। और प्लस आपका क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन है। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इस प्रकार से बॉक्सेस बना लेंगे, क्लियर। देन आप क्या करेंगे, आप अभिकारकों में LHS में और RHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या देखेंगे, ठीक है। एक साइड आपने तत्व लिख लिए, एक साइड आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, क्लियर, और दूसरी साइड आप क्या लिखेंगे, RHS में, राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या, ओके। चलिए कितने तत्व हैं आपके, क्या क्या दिख रहा है, Fe आपका एक तत्व है, आयन एक, हाइड्रोजन है एक, ऑक्सीजन है, इन तीनों के अलावा आपको कोई और तत्व इसमें दिख रहा है, इस इक्वेशन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हम लिखेंगे, Fe की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्लियर। आयन की बात करते हैं, तो आयन का अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ठीक है, अभिकारकों में तो कितने परमाणु दिख रहे हैं, Fe अकेला लिखा हुआ है, जब उसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं होगा यानी कि 1, एक ही परमाणु है उसका, क्लियर।
देन राइट हैंड साइड में देखो आयन को, कहाँ है आपको दिख रहा है, यहाँ Fe3 लिखा हुआ है, तो कितने परमाणु हो गए, तीन परमाणु हो गए, क्लियर। देन हाइड्रोजन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितने हैं, दो लिखे हुए हैं, यहाँ पर H2O में दो परमाणु होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो H2 कितना है, दो ही है, क्लियर। ऑक्सीजन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ O अकेला है, ओके तो यानी उसका एक ही परमाणु होगा। राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो कितने हैं, O4 लिखा है, तो चार परमाणु। तो यहाँ पर देखिए किस किस को बैलेंस करने की आवश्यकता है, Fe के परमाणुओं को बैलेंस करने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के परमाणुओं को बैलेंस करने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना, इनके परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है, भिन्न भिन्न हो रही है, अलग अलग हो रही है, क्लियर। चलिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी आपका ज्यादा अधिक परमाणु वाला यौगिक है या कोई भी आपका एलिमेंट है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक परमाणु किसमें हैं, Fe3O4 में ही दिख रहे हैं आपको, आयरन के तीन है, ऑक्सीजन के चार है, टोटल सात परमाणु है यहाँ पर, क्लियर। तो उसी को लेकर चलते हैं, Fe3O4 की बात करते हैं, क्लियर है, जिसमें कि आपको किसको बैलेंस करना है, पहले ऑक्सीजन को देखना है, फिर आप हाई उसकी बात करेंगे, आयन की बात करेंगे, क्लियर। तो ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपके सबसे अधिक परमाणु है, समझ रहे हैं ना, Fe3O4 इसलिए लिया क्योंकि इसमें पूरे में सात परमाणु थे। अब Fe3O4 में दो एलिमेंट है आपका, एक Fe है यानी कि आयन, एक ऑक्सीजन है, आयन और ऑक्सीजन में ज्यादा परमाणु किसके हैं, तो आपके ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन को लेके चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए ओके कितने परमाणु हैं, अभिकारक में कितने हैं जैसे पहले किया था, परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे आप, प्रारंभ में कितने थे अभिकारक में, और संतुलित करने के लिए आपने क्या किया, चलिए देखिए जल्दी से ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक में उसके कितने परमाणु हैं, एक है, जो कि किसमें है, यहाँ H2O में दिख रहा है ना आपको, एक ही ऑक्सीजन, आपने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, उत्पाद में आपके पास कितने ऑक्सीजन थे, उत्पाद में आपके पास टोटल चार है, क्लियर, जो कि किसमें है, Fe3O4 में है, O4 दिख रहा है ना, यानी ऑक्सीजन के चार परमाणु है वहां पर। संतुलित करने के लिए आपके लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए आपने क्या करना है, H2O में जो वन है उसको क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो चार होगा ना, एक को आपने चार बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चार से गुणा कर देंगे आप एक को, तो 1:4 या 4:1 कर दिया आपने, 1:4, ठीक है, तो आपके यहाँ चार हो गए, यहाँ पहले से ही चार थे, क्लियर। तो यानी आपने क्या किया, जो H2O लिखा है ना उसके आगे आपने फोर लगा दिया, क्लियर है। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अब हो जाएगी Fe+4H2O, और क्या दे रहा है आपको, Fe3O4+H2, ये हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब किसको देखेंगे आप लोग, आप बात करेंगे आयन के परमाणुओं के लिए, ठीक है ना, Fe3O4 में पहले आपने ऑक्सीजन को देखा, अब उसी Fe3O4 में आप किसको देख रहे हैं बच्चे, अब उसमें आप आयन को देख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आयन को बैलेंस करोगे, तो Fe के परमाणु लिखो, और Fe के परमाणु अभिकारक में कितने हैं, और बच्चे उत्पाद में कितने हैं, क्लियर। इसके बाद आप बताएंगे प्रारंभ में कितने थे अभिकारक में और उत्पाद में, और संतुलित करने के लिए आपने क्या किया,
देखिए, आप डायरेक्ट भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजी पड़ जाता है समझने में। आप टेबल बनाकर आपको समझ आ ही रहा है कि किस प्रकार से हम उत्पादों और अभिकारकों की संख्या को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए चलिए, एफई में अभिकारक में कितने, प्रारंभ में कितने परमाणु थे? देखिए, यहाँ आपका एक ही परमाणु है एफई का, तो आपने क्या लिख दिया? वन। क्लियर? उत्पाद में देखिए कितने परमाणु थे, तो आपके थ्री। क्लियर है? तो बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ थ्री, तो हो गया आपका थ्री। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसके लिए बताइए? आपने ये अभिकारक में बैलेंस किया है ना, टेबल में आप ये भी देखिए कि कहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैम, हमने कहाँ अभिकारक में मल्टीप्लाई किया, यानी वो जो तीन आप लगा रहे हो वो अभिकारक में जो आयन है उसके आगे लगाओगे। इससे पहले आपने क्या किया था, इससे पहले आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, ऑक्सीजन में आपने फोर लगाया, वो आपने कहाँ लगाया, अभिकारक में लगाया। समझ रहे हैं? इसीलिए आपने इक्वेशन में क्या किया, अभिकारक के आगे H2O में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के लिए आपने वहां पर फोर लगा दिया। तो यहाँ पर अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, थ्राइस Fe प्लस 4H2O। ठीक है, आयन के आगे चूंकि आपने तीन लगाना है, क्लियर, क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है प्लस H2। अब इक्वेशन ये हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब क्या रह गया आपका, हाइड्रोजन रह गया है जिसको आपने क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आप डायरेक्ट संतुलित कर सकते हो। यहाँ पर अभिकारक में आपको कितने दिख रहे हैं बच्चे, 4H2 लिखा है। 4H2 का मतलब क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप में 4H2 का मतलब क्या है, टोटल कितने हैं इसके बताइए, सिक्स सिक्स एटम्स है टोटल। तो वहां आपका H2O है, तो आप क्या कर देंगे उसको बैलेंस करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी अब जो संतुलित समीकरण आएगी वो क्या आएगी, लास्ट में 3Fe प्लस 4H2O क्या दे रहा है आपका, Fe3O4 प्लस, यहां पर भी आप फोर लगा देंगे, 4H2। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से। एक इक्वेशन लिख रही हूं होमवर्क में। इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, इक्वेशन है आपकी NaCl प्लस AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हो रही है जिससे आपका सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, ये होमवर्क में है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा है, और जो मैंने होमवर्क में आपको रासायनिक समीकरण दी है इसको आप संतुलित करके लाएंगे। आने वाले सेशन में कुछ और एग्जाम्पल लेके चलेंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।